बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टडी आवर सेवन क्लास इंग्लिश लेसन। द पेज नंबर इज 108 एंड यूनिट नंबर 5 सेक्शन नंबर 2 एंड द टॉपिक इज मदर्स डे। सो ये काफ़ी थोड़ा सा ये लंबा लेंथी है ये लेसन, क्योंकि ये एक ड्रामा है। तो अभी जहाँ पे हमने कल सिचुएशन जो जहाँ पे सम अप किया था वो ये था कि जो मिसेस पीटरसन है वो अब वो स्टबर्न है और वो सबके साथ बड़ी इंसल्टिंग और बड़ा रिजिड पेश आ रही हैं। पहले उन्होंने अपने दोनों बच्चों जो डोरेस उसकी बेटी और सीरर उसका जो बेटा था उन दोनों को उसने इंसल्ट भी किया और उनको थोड़ा सा सख्ती से पेश आई। अब फिर जॉर्ज को भी उसने काफ़ी तंज किया और जॉर्ज को उसने कहा कि आप जिधर जाते हो स्नोकर खेलने वहाँ पर आपको सब पंपी अम्पी पीटरसन कहते हैं और आपके पीछे वो हंसते हैं। अब जब जॉर्ज ने ये सुना तो वो बड़ा परेशान हुआ कि ये मेरी बीवी कैसे मुझे कह रही है ये। तो जॉर्ज खैर उसने बड़ा उसको गुस्सा आया इस बात पे। तो अब ये बातें अभी वो चल ही रही हैं कि उनका बेटा सीरियल जो है वो आ जाता है वहां पे। अब जॉर्ज जो है वो सीरियल को देख के कहता है हेयर सीरियल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, तुम एक या दो दफा मेरे साथ क्लब गए हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पीटरसन डू दे। वो कहता है सीरियल तुम एक या दो दफा मेरे साथ क्लब गए हो, तुम बताओ कि क्या वो मुझ पर नहीं ना हंसते और वो मुझे ना ही पॉम्पी ओम्पी पीटरसन कहते हैं, डू दे, क्या वो ऐसा करते हैं। सीरियल एम्बेरस्ड हेजिटेट्स, सीरियल को बड़ी बेचैनी होती है और वो झिझकता है बताने में एंग्रीली। अब जॉर्ज जो है गुस्से से उसको कहता है गो ऑन टेल मी डू दे। अब जॉर्ज उसको गुस्से से कहता है हाँ जी बताओ जल्दी क्या वो ऐसा करते हैं। सीरियल एम्बेरस्ड वेल यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू। सीरियल बड़ी बेचैनी से कहता है जी हाँ अबू ये सच्ची है बात, मुझे ऐसा ही लगता है वो ऐसा करते हैं। जो स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अदर स्टैगर्ड ही एग्जिट्स लेफ्ट स्लोली ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हिट हिम ओवर द हेड। अब जो ये सुनता है जॉर्ज तो वो बड़ा स्लो हो जाता है, बड़ा ढीला हो के वो बाएं जानब से निकल जाता है इस तरह जिस तरह किसी ने उसके सर पे कोई वार कर दिया हो। सीरियल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्म्स इंडिजेंटली टू मिसेस पीटरसन। अब जब वो जाता है तो जो सीरियल है वो अपनी माँ मिसेस पीटरसन को बड़ी ही गुस्सीली नजरों से देखता है, बड़ी ही हकारत भरे नजर से देखता है। सीरियल नाउ यू शुडेंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, माँ आपको ये उनको नहीं बताना चाहिए था, दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग माइंड टू, आपने उनकी और मेरी हम दोनों की जज्बात को तकलीफ पहुंचाई है। मिसेस पीटरसन समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। मिसेस पीटरसन कहती हैं बाज़ोकात अक्सर औकात लोगों की जज्बात को चोट लगना अच्छा होता है। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनी बडी फॉर लॉन्ग, क्योंकि सच जो है वो ज्यादा देर तक किसी को तकलीफ नहीं देता। इफ योर फादर डिडेंट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तुम्हारे बाप अक्सर वो क्लब ना जाता परहैप्स देड स्टॉप लाफिंग एट हिम, शायद वो उस पर हंसने से रुक जाते। सीधे ग्लूमिली सीधे चमकदार नजर से आई डाउट इट, मुझे शक है, इसमें शक है। देयर इज अ शार्प हर्ड नॉकिंग हेड ऑफ लेफ्ट, ये अभी वो बातें कर रहे हैं कि दरवाजे पे बाएं दरवाजे पे एक तेज और भारी जो दस्तक की आवाज सुनाई देती है। सीरियल माइट बी फॉर मी आई विल सी, शायद मेरे लिए कोई होगा, सीरियल कहता है मैं देखता हूं। सीरियल हरीज आउट लेफ्ट इन अ मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। सीरियल जल्दी से बाईं जानब जाता है और एक ही लम्हे में वो दोबारा वापस आता है और अपने पीछे जो दरवाजा है वो बंद करता है। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिस फिट्ज़जेरल्ड, यू डोंट वांट हर हेयर डू यू। ये बूढ़ी और हमारे हमसाए में रहने वाली मिसेस फिट्ज़जेरल्ड है, आप उनको यहां पर नहीं देखना चाहती, क्या आप चाहती हैं। मिसेस पीटरसन शार्पली, मिसेस पीटरसन तेजी से, सर्टेनली आई डू, यकीनन मैं चाहती हूं। आस्क हर इन, उन्हें अंदर बुलाओ। एंड डोंट कॉल हर सिली ओल्ड बैग, और उन्हें बूढ़ी पुरानी बुढ़िया मत कहो। शी इज वेरी नाइस वुमेन, वो बहुत अच्छी खातून है, विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल नेवर हैव, और उनमें बहुत अच्छी सोचने की सलाहियत है जो तुम में नहीं। सीरियल एग्जिट लेफ्ट
सीधे बाएं जानब से निकल जाता है, सीधे री इंटर्स लेफ्ट, सीधे दोबारा बाएं जानब से अंदर आता है। यू शेयरिंग इन मिसेस फिट्ज़जेरल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, और वो मिसेस फिट्ज़जेरल्ड को अंदर लेके आता है जो कि दरवाजे में खड़ी अंदर आने से हिचकिचा रही है। कम इन मिसेस फिट्ज़जेरल्ड, अंदर आइए मिसेस फिट्ज़जेरल्ड। मिसेस फिट्ज़जेरल्ड एंग्शियसली, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग इज ऑलराइट। मिसेस फिट्ज़जेरल्ड मायूसी से कहती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सब ठीक है। सीरियल सेलेक्टली, नो इट इजेंट। सीरियल कहता है नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिसेस पीटरसन शार्पली, ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट। मिसेस पीटरसन तेजी से कहती हैं जी बिल्कुल सब ठीक है, और सीरियल को कहती हैं कि तुम चुप करो। सीरियल इंडिजेंटली एंड लाउडली, वाई शुड आई बी क्वाइट। सीरियल ऊंची आवाज से और मजाहत खाना से सीधे लहजे में कहता है कि मुझे, मैं क्यों चुप करूं। मिसेस पीटरसन शाउटिंग, मिसेस पीटरसन चलाते हुए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू टू, मिसेस पीटरसन चिल्ला उस पर चिल्ला के बोलती हैं क्योंकि मैं तुम्हें चुप रहने का कह रही हूं। तो आज ये हमारा इसकी रीडिंग थी। अब इसके जो नेक्स्ट जो हमारे वर्ड मीनिंग है, ग्रैस्प पकड़ना थामना, लैक्स ढीला, डोमिनेटिंग तहकुम पसंद हुक्म चलाने वाला, दूसरों पे हुक्म चलाने वाली की जो पर्सनैलिटी उसको डोमिनेटिंग कहते हैं। फ्लटरिंग घबराया हुआ, ग्रिमली निहायत संजीदगी से, स्पॉइल्ड बिगड़ा हुआ, इंसेसिव तेज तीखा। So this is our today's lecture. I hope you will get this. If you have any confusion and question about today's lesson, you can mention those question in comment box. So thanks for watching. We will meet in our next video. Take care. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.